हेलो भाई, दिस इज़ पीयूष शो वंडर और आज हम लोग आए हैं कानपुर ब्लॉगर की ट्राइब में। तो ये हम लोग पास के ही गांव में हैं। ये देखो यहाँ पे गाय भैंसे सब रहती हैं, यहाँ नल लगा हुआ है, साफ़ सफाई की जा रही है, चारा जैसा है, वहाँ पे जनता बैठी हुई है। तो ऐसे गांव का सब रहता है स्ट्रक्चर, ग्रामीण इलाका। अब थोड़ा सा फैक्ट्री टाइप का है, थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं ड्राइव में। गंगा जी का बिल्कुल किनारा ही है ये समझ लो। तो यहाँ पर जैसे कि जब कभी बनी होगी तो चतुर्थ पंचम राज्य वित्त योजना वित्तीय 2023-24 में कल्याणपुर गंगा बैराज हाईवे के बगल में होजरी की दुकान से गंगा बैराज ऑफिस तक की सीसी कार्य का लोकार्पण श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की प्रेरणा से माननीय जिला पंचायत स्वप्निल वरुण, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले, माननीय विधायक श्री अभिजीत सिंह सांगा, माननीय सदर जिला पंचायत श्रीमती नेहा देवी दिलीप निषाद उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। अभियंता के नाम लिखे हुए हैं। ये कानपुर नगर में एक्चुअली में आता है, यहाँ पे है दुकान और ये देखो गंगा जी का किनारा आ गया। तो हम लोग ये सुबह समझ लो, मैं तो खैर 4 बजे उठ जाता हूँ, पर ये ड्राइव हम लोग 7 to 8 वाली है। कितनी हम लोग गंदगी फैलाते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ देख रहा हूँ वहीं लग रहा है कि इसको उठा लूँ उसको उठा लूँ, सब पन्नियाँ नहीं देख रहे हो। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आते हैं गंगा जी में, आप सब पूजा करते हो, सब ठीक है, आस्था का वो है, पर यहाँ गंदगी ना फैलाई। ये देखे बॉटल पड़ी हुई है, इसको भी उठा के डालना है, उठा ली मैंने। तो ये सब कचरा ना करें यार अपने साथ। एक अभी सोल्यूशन बताऊँगा मैं। ये देखो एक और पड़ा हुआ है। मेनली ये जो ड्राइव थी हम लोगों की थी, ये रुद्राभिषेक जो हुआ है यहाँ पे फूल इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन फूल के लिए इतना सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया है। ये सब पूरी टीम है हम लोगों की कानपुर ब्लॉगर की। प्लास्टिक फिशर वाले भी आए हैं जो प्लास्टिक को एक्चुअली में ले जाएंगे, क्लीन रिवर्स एंड सेव ओशंस। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब ये ग्लव्स पड़े हुए हैं, किट पड़ी हुई है, लोग बैठे हुए हैं सारे। वो गंगा बैराज वाला ब्रिज दिख रहा है आपको सामने। कानपुर के होंगे वो अच्छे से समझते होंगे, यहाँ पे गंगा जी को नमन कर लेते हैं। यहाँ पे कुत्ते भी बैठे हुए हैं। गंगा जी में पानी बहुत ज़्यादा है इस समय, देखो कितना हाइट पे आ चुका है। ये नाव है, ये देखो गंगा बैराज का व्यू। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। बीच में थोड़ा सा आइलैंड है, यहाँ पे झंडे फहरे हुए हैं, नाव वगैरह है। तो यही घाट है हम लोगों का जिसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। छोटी सी कोशिश है कानपुर ब्लॉगर्स की और मेरी भी साथ में, ये मुहिम है थोड़ा नेशन ट्रांसफॉर्म हो, सोचे इस बारे में कि यार जहाँ तुम रहते हो यही तुम्हारा घर है, पूरी पृथ्वी तुम्हारी घर है। तुम्हारा घर सिर्फ घर नहीं है, पूरी पृथ्वी तुम्हारा घर है। अगर तुम गंदा कर रहे हो, कूड़ा इधर उधर अननोइंगली फेंक के दे रहे हो, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट वो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो फाड़ के बस फेंक देते हैं और ये नहीं सोचते कि इसको उठाएगा कौन। तो कानपुर नगर निगम वाले भी हैं, तो देखो यहाँ पे जितने भी फूल हैं लिखा हुआ है कि पूजा सामग्री अर्पण स्थल है, तो यहाँ से ये सब उठाया जा रहा है फूल जो हम लोग पूरा उठा रहे हैं। किसी को तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तो वो हम लोग कर रहे हैं गंदे ताकि ये दुनिया साफ़ हो सके। कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती है, हम लोगों का पर्सपेक्टिव बनाता है। नथिंग इज़ गुड और बैड, आर पर्सपेक्टिव मेक इट सो। तो पॉलिटिक्स भी गंदी नहीं है, कभी ना कभी उसमें भी उतरेंगे भाई, और फिर देखेंगे उसको भी साफ़ करेंगे जो गंदगी फैलाई हुई है। फ़िलहाल तो यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। मज़ा आता है बस यहाँ पे। देखो अभी 15 अगस्त था तो यहाँ पे झंडे भी फहरे हुए हैं, हर घर तिरंगा वाले, क्या लहराता है ये देखो। जय हिंद। मेरे को तो भाई बहुत प्यारे तिरंगे थे अपने। तो ऐसे ही कुछ करिए, नहीं आप देखो जो कानपुर के हैं कानपुर ब्लॉगर्स में आ सकते हैं, कमेंट करें, ठीक है, मैं उनको ऐड करवा दूंगा ग्रुप में। और नेक्स्ट टाइम से आप लोग आइए, मैं अपने स्टेटस में भी लगाता रहता हूँ जब ड्राइव वगैरह होती हैं। तो कंट्रीब्यूट जो कानपुर लेवल पे कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और बाकी जो बाहर हैं इंडिया में हैं या पूरे वर्ल्ड में जहाँ से देखते हैं, तो अपने आसपास ही, पहले तो बार लिटर ही मत करो, कुछ गंदगी फैलाओ ही मत, तो गंदगी होगी नहीं पहली शर्त। उसका देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन जो मैंने पहले बताया था कि ट्रेन बस में हम लोग फॉलो कर सकते हैं कि कोई भी आपको मतलब फाड़ के फेंक नहीं देना है बाहर। ट्रेन से हम लोग क्या करते हैं जनरली खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, तो भाई उसको उठाएगा कौन बाद में। बस में खाया फेंक दिया बाहर, कार में जा रहे हैं फेंक दिया बाहर, भाई उठाएगा कौन यार, इसके बारे में सोचो। तो
तो सिंपल क्या करना है आपको, या फिर आप कोई एक कूड़े वाला एक बैग छोटा सा कैरी कर लो जिसमें अपना ये सब लेटर वगैरह सामान रख सको, या फिर अपने ही बैग में एक छोटी सी जगह वहाँ पे उसको सेव कर लो और फिर उसके बाद उसको जहाँ पे कूड़ेदान दिखे डस्टबिन दिखे वहाँ पे फेंक दो। इससे क्या होगा कि बाहर गंदगी नहीं फैलेगी। अब यहाँ पे जहाँ देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो रह ही जा रहा है, काफ़ी साफ़ कर दिया यहाँ पे देखो आप, हम लोगों ने बिल्कुल अच्छा लगता है। जब अच्छा किसको नहीं लगता यार, कुछ भी साफ़ होते ये लोग तो बेचारे बोल ही रहे होंगे क्यों लल्ला तुमको क्या लग रहा है, मज़ा आ रही है ये सब काम देख के, तुम अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे। कम से कम इन्हीं लोगों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर दें। तो जितने जानवर हैं वो भूल नहीं सकते बेचारे गंदगी में रहते हैं, हम लोग तो गंदगी देख के हट जाएंगे, ये लोग कहाँ हटेंगे, उनका तो यही घर है, सब यही घाटी घर है। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप कूड़ा ना फैलाएं इधर उधर, अपने पास रखें, डस्टबिन में फेंकें जा करके। और पहली तो चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि फ्रूट्स वगैरह खाएं जो कि कभी भी मतलब नुकसान नहीं करते हैं चीज़ें, चिप्स वगैरह जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, वैसे भी हम लोग सब इतने हेल्दी शूज़ आते हैं तो पहले से ही उनको अवॉइड करो। फ्रेश जूस पियो आप, पैकेट टेट्रा पैक वाले बिल्कुल भी बेकार होते हैं, उनको मत पियो। मौसम्मी का जूस पियो, अनार का पियो, जो पसंद है वो पियो पर फ्रेश पियो भाई, ठीक है। टेट्रा पैक वाला काम ख़त्म करो, ठीक है। ऑन दिस नोट लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।